तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी की इस फिल्म ने लोगों को हैरान कर दिया। क्या ही मूवी है, जो भी देख रहा है बस यही कह रहा है इसे कहते हैं असली बॉलीवुड। दोस्तों बात ऐसी है, आगरा में ताजमहल के बारे में तो सब जानते हैं लेकिन उसके किनारे पर बहने वाली यमुना नदी को लोग हर बार इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है, उस नदी से बाहर निकल रहे हैं डरावने भयानक मगरमच्छ जिनसे पूरा आगरा डरा हुआ है और इसी डर के बीच आशिकी चल रही है। भूल तो नहीं गए पति पत्नी और वो वाला खतरनाक एंगल जिसमें पिछली बार रानी के चक्कर में राजा ने अपने सौतेले आशिक को जन्नत का रास्ता दिखाया था। वैसे कुछ लोग जिन्होंने फर्स्ट फिल्म नहीं देखी और टेंशन ले रहे हो कि डायरेक्ट पार्ट टू देखना चाहिए या नहीं तो आराम से देख सकते हो, कोई लोड नहीं। एक्चुअली कहानी पिछली फिल्म से आगे शुरू होती है लेकिन कनेक्ट किसी तरीके से नहीं है, मतलब इस फिल्म को समझने के लिए उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लव, सेक्स और धोखा, बस पार्ट वन का किस्सा खत्म। लेकिन पार्ट टू इंटरेस्टिंग इसलिए है, इस खेल में दो नए खिलाड़ी आए हैं, एक दिल वाला दूसरा दिमाग वाला, बिना कोई दिए। कहानी का निचोड़ कुछ ऐसा है कि रानी मैडम के एक तरफ है थाईलैंड का समुंदर तो दूसरी तरफ फांसी के फंदे से लटकने का मंजर, और इसके बीच जो चीज फैसला करने वाली है वह है खुद रानी मैडम का डर। पुलिस के पास सबूत नहीं है लेकिन कातिल तो सामने है, कुछ मुंह से निकल गया तो। बॉलीवुड की एक आइकॉनिक फिल्म है रेखा मैम की खून भरी मांग। अभी तक प्यार, धोखा, शादी और मगरमच्छ, यह सब सुनकर वह फिल्म दिमाग में आ गई होगी। सही पकड़े कुछ वैसा ही होने वाला है। लेकिन क्लाइमेक्स के अंदर बहुत सारे क्लाइमेक्स है, आपको लगेगा फिल्म खत्म, वहीं से नया किस्सा शुरू हो जाएगा। मुद्दे की बात यह है, जो लोग पिछली वाली फिल्म के फैन हो आपका दिल टूटने वाला है क्योंकि सच्ची सच्ची इस नई फिल्म का लेवल वहां तक बिल्कुल नहीं पहुंचने वाला है। सबसे बड़ा डाउनफॉल हुआ है तापसी के कैरेक्टर में, जिनका पिछली बार रंगीन अंदाज देखकर फिल्म बनाने वाले और देखने वाले दोनों को मजा आ गया था। इस बार मैडम का दोनों शब्द हसीन और दिलरुबा दोनों से थोड़ा रिश्ता तोड़ दिया है, जिस वजह से कहानी में वो पुराना वाला एक्साइटमेंट मिसिंग लग रहा है। कॉन्सेप्ट तगड़ा लग रहा होगा लेकिन सिर्फ सुनने में और दिमाग के अंदर सोचने में। फिल्म को आंखों के सामने देखने में इस बार उतना मिर्च मसाला फील नहीं होगा। फर्क है क्योंकि दोनों फिल्मों के डायरेक्टर अलग हैं और ये कैसे भूल सकते हो आप। पिछली बार सस्पेंस क्लाइमेक्स में शुरू हुआ था, एकदम से झटका लगा था, लेकिन इस बार तो पिक्चर की शुरुआत में ही आपको सस्पेंस के आगे कहानी को बढ़ाना है। इसके लिए जरूरत पड़ेगी नई कहानी की, नए झटके डालने की। यही सबसे बड़ी कमजोरी है, हसीन दिलरुबा अपनी पुरानी कहानी का हाथ छोड़ नहीं पा रही है जिसकी वजह से नई शुरुआत हो नहीं पा रही है। वैसे गलत मत समझो, क्लाइमेक्स थोड़ा प्रेडिक्टेबल लग सकता है लेकिन सोचने वाले के लिए तालियां बजनी चाहिए क्योंकि लॉजिक से पार एक सिनेमा की दुनिया होती है। शिद्दत याद है कैसे बड़े बड़े क्रिटिक्स वगैरह ने फिल्म को पूरी तरह बेइज्जत करके बर्बाद कर दिया था, तब पब्लिक ने उसका हाथ पकड़ा और फिल्म क्लासिक बन गई। सनी कौशल कुछ वैसा ही काम इस बार दोबारा करने निकले हैं। फिल्म का तो मुझे नहीं पता लेकिन इनको देखकर आपको शायद उतनी बुरी भी न लगे। सिंपल शब्दों में बोलूं तो जो लोग थोड़ा ज्यादा फिल्में देखते हैं उनको इस कहानी का पहले से ही पता चल जाएगा, जिस वजह से 2 घंटे बर्बाद वाला फील आएगा। लेकिन हाँ, जो लोग कम इंटरेस्टेड रहते हैं फिल्मों में या फिर टाइम पास के लिए मूवीज लगाते हैं उनको एंड में ठीक ठाक वाला सस्पेंस मिल जाएगा, बाकी सरप्राइजिंग। तापसी और विक्रांत कमाल के एक्टर्स, इस बार इन लोगों का एक भी सीन याद रह जाए ऐसा कुछ खास काम किया नहीं है। फिल्म का शॉर्ट रिव्यू ये होगा कि पार्ट वन के बाद पार्ट टू को सोचकर जितना एक्साइटेड थे ना, आप पार्ट 3 के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करोगे। फिल्म को मेरी तरफ से 5 में से 2 स्टार मिलने वाले हैं। पहला तो क्लाइमैक्स में ट्विस्ट लगाकर लोगों का टाइम वसूल करना, और दूसरा यह किसी फिक्शनल राइटर की बुक्स पढ़कर लोगों को जान से मारने का सीरियल मर्डर प्लान करना। कॉन्सेप्ट सॉलिड है। अच्छा, नेगेटिव में एक तो कमजोर और खिचड़ी हुई, थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल कहानी, दूसरा बहुत ही नॉर्मल सी एक्टिंग, बस सनी कौशल थोड़ा सा चमक रहे हैं, और तीसरा हसीन दिलरुबा, ये 2 शब्द टाइटल में धोखे जैसे हैं। फिल्म का इनसे कोई लेना देना नहीं है,